चलिए आज कुछ डिफरेंट सी गॉसिप करते हैं। आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ मुझे पता चल जाएगी इस वीडियो के व्यूज देख के और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स देख के। ईशा एलिस और अविनाश मिश्रा के बारे में मैं गॉसिप करने वाली हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट। तो आप लोग इन तीनों की दोस्ती को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, मुझे ज़रूर बताइए। इन तीनों में से आखिरकार सबसे ज़्यादा जेलस कौन होता है और सबसे ज़्यादा एटीट्यूड वाला कौन है? ज़्यादातर लोग बोलेंगे अविनाश है, बट इस आप लोगों को नहीं लगता कि एलिस जो है काफ़ी ज़्यादा जेलसी करती रहती है इस ग्रुप में और वो चाहती है कि इस ग्रुप का जो कंट्रोल है वो उसके हाथ में आए, ना कि किसी और के हाथ में। हालांकि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप एक दोस्तों का ग्रुप है, किसी के भी हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है, पर एलिस काफी बार काफी सारी चीजों के ऊपर जो है चिढ़ती हुई नजर आई है, जैसे कि तूने मुझे ऐसे क्यों मार दिया, तू मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती है, मुंह फुला लेती है, जल्दी मुंह फुला लेती है। अब एक आज रात आप लोग देखेंगे, एपिसोड में देखेंगे, ये एक्चुअली में पहले तीनों बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, मस्ती करते भी हैं। अविनाश को जो है क्लिप्स भी लगाया, लिपस्टिक्स भी लगाई, नेल पेंट भी लगाया, फिर इनको खुद को नहीं पता था कि भाई फ्यूचर में जो है अगले दिन हम लोग लड़ने वाले हैं। कल रात को ये लोग ऐसी चीजें कर रहे थे और आज जो है ये लड़ पड़े, और लड़े इस चीज से कि भाई ईशा को जो है एलिस का पाउच देख लिया था और उसमें जो जगह थी अपना मेकअप वगैरह रखना था, और जिस वे में एक्चुअली में ईशा ने देखा वो वे जो है गलत लगा एलिस को, और एलिस ने जिस वे में उसको पोर्ट्रे करके निकाला सामने वो तरीका जो है गलत लगा ईशा और अविनाश को। तो अविनाश जो है ईशा का साइड ले रहा है और ईशा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज और काफ़ी ज़्यादा रो रही है कि भाई ये बात सिर्फ पाउच की नहीं है, ये बात इमोशनली दूसरी चीज़ों की है, एलिस तो बहुत ही चीज़ें अपने ऊपर ले लेती है। तो इनके बीच में जो है काफ़ी बड़ी वाली लड़ाई जो है वो देखने के लिए मिली, जहाँ पर एलिस और ईशा ने एक दूसरे को ये भी बोल दिया कि भाई हम लोग एक दूसरे से बात ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। अविनाश भी जो है इन दोनों लड़कियों की कैट फाइट में जो है अपना मुद्दा नहीं रख पाए और उसने ये बात बोल दी कि उफ यार मेरे में इतना पेशेंस नहीं है। आदमी तो यार एक औरत को नहीं संभाल सकता, अगर औरत अपनी आई पे आए तो बात करने पे बोलने पे, तो ये अविनाश दो दो को कैसे संभाल लेगा, बिल्कुल नहीं संभाल सकता। और दोनों जो है वो अपने आप में जो चार चंदे ऊपर है। तो इनके बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से पूछा कि इस ग्रुप में जो है सबसे ज़्यादा एटीट्यूड और इस ग्रुप का टूटना आखिरकार अगर कभी टूटेगा तो वो किसकी वजह से टूटेगा? एलिस की वजह से, क्योंकि इस ग्रुप के जो मतलब कि तीन लोग हैं, ज़्यादातर अविनाश और ईशा की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और एलिस जो है अपने आप को थोड़ा मतलब कि वंचित महसूस करती है कि भाई मैं तो सौतेली हूँ, मैं तो सगी नहीं हूँ, मुझे तो अलग कर दिया जाता है। उन सब चीज़ों के कारण उसमें जलसी पनपती है और वो ऐसी हरकतें करती है। क्या आप लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया, बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।